हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एसीटोफिनोन व्हेन रिएक्टेड विद द बेस C2H5ONa यील्ड्स अ स्टेबल कंपाउंड व्हिच हैज द स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस कंपाउंड में बेस के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सी डबल बोन ओ सी एच थ्री है, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो जो हमारा एसीटोफिनोन है, क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन के अंडर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास एच पॉजिटिव माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सी एच टू है वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, एसिटोफिनोन का, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, वो क्या करेगा, इसके जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे अटैक करेगा। कार्बन फाइव बॉन्ड होल्ड नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, सी ओ एच, यहाँ पे सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इसमें हमारे पास यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके साथ एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो कौन सा, यहाँ पे क्या हुआ है, वॉटर एलिमिनेट हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन सी। तो इसमें सी एच थ्री सी एच नहीं सॉरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है हमारा, ऑप्शन बी। इसमें क्या है, सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड है ओ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।